मंडला जिले के निवास ब्लॉक में आज कोरोना पॉजिटिव के 2 नए मामले सामने आए हैं। जिले में अब 7 एक्टिव केस सहित कुल 13 मामले हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि मंडला निवास के अंतर्गत ग्राम मेहरा सिवनी का 32 वर्षीय युवक एवं ग्राम पिपरिया के 47 वर्षीय व्यक्ति की कोरोना जांच रिपोर्ट आज पॉजिटिव प्राप्त हुई है। ग्राम मेहरा सिवनी निवासी 32 वर्षीय युवक ट्रेन द्वारा गुजरात से 10 जुलाई को अपने गांव पहुंचा था। 13 जुलाई को युवक का सैंपल लिया गया था, जिसकी आज रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई। इसी प्रकार पिपरिया ब्लॉक निवास का 47 वर्षीय व्यक्ति ट्रेन द्वारा त्रिपुरा से 9 जुलाई को चलकर 10 जुलाई को अपने गांव पहुंचा। पिपरिया निवासी व्यक्ति की 13 जुलाई को सैंपल लिया गया था, जिसकी रिपोर्ट आज पॉजिटिव प्राप्त हुई। जिले में अब कोरोना के 7 एक्टिव केस सहित कुल 13 मामले हो गए हैं। युवक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त होने की जानकारी मिलने पर कलेक्टर हर्षिका सिंह ने SDM निवास पुष्पेन आके, मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर श्रीनाथ सिंह, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग GP पटले सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्र में शासन के दिशा निर्देश अनुसार जरूरी इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने स्वास्थ्य अधिकारियों को संक्रमित युवक के संपर्क में आए व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं कोरोना जांच कराने के भी निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने जिलेवासियों से कोरोना से बचाव के लिए सुरक्षा के मानकों का पालन करने और सावधानी बरतने की अपील की है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।